वेलकम बैक इन किट्टू टिफिन। आज अंडा पोज की रेसिपी। दो अंडे ले लेते हैं। एक छोटे से प्लेट में थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे। अंडे को तोड़ लेते हैं, संभाल के तोड़ेंगे, योग टूटना नहीं चाहिए। दूसरा अंडा भी तोड़ लेते हैं। थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। ग्रीन चिली स्प्रिंकल करें। बारीक कटा हुआ प्याज, गैस को ऑन कर देते हैं। एक पैन चढ़ा देते हैं इस पे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पैन में। एक स्टैंड डाल देते हैं पानी के अंदर। पानी को थोड़ा बॉयल होने देते हैं। पानी लगभग तैयार हो गया, स्टीम निकलने लगी है। गैस की फ्लेम धीमे करते हैं। एक छोटा सा प्लेट डाल देते हैं स्टैंड के ऊपर और अपने अंडे को आराम से बैठा देते हैं प्लेट में। ढक्कन लगा देते हैं और लगभग इसे 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। 8 से 10 मिनट के अंदर ये एक पोच होके तैयार हो जाएगा। इंतज़ार करते हैं ढक्कन के खुलने का। बीच बीच में कभी एक बार उठा के देख लें थोड़ा। लीजिए, इंतज़ार ख़त्म हुआ। ढक्कन हटाते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद कर दिया हमने। स्टीम को शांत होने दें और प्रेजेंटेशन कर लेते हैं एक पोज की। एक प्लेट में थोड़ा सा टोमेटो केचप, उसको अच्छे से डेकोरेट करते हैं। चम्मच के से फैला देते हैं उसको। पोज को निकालते हैं और केचप के ऊपर आराम से प्लेस करते हैं। यस, इसमें प्याज के छोटे छोटे कप रखेंगे, अनियन के। इसमें थोड़ा सा केचप डालेंगे चम्मच की सहायता से। हरा धनिया लगा देते हैं केचप के ऊपर। दो हरी मिर्च स्लिट की हुई और तैयार है एक पोज की रेसिपी। झटपट 10 मिनट में बन के तैयार होने वाली। हेल्दी और स्वाद से भरपूर, रंगत में खूबसूरत एक पोज की रेसिपी। थैंक यू।